अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, आज मैंने फातिमा का वीडियो देखी, जिसके अंदर मतलब वो बता रही थी, जैसे कि हमारी लाइवों में भी बात हो रही थी, हर जगह बात हो रही थी, कि वहाँ पे दिलबर और छमिया रह रहे हैं, तो फिर फातिमा क्यों गई है रुबीना, सॉरी नैना के घर पे। तो ये लोग सब वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ क्या चल रहा है। तो उसकी सफाई देने के लिए वो आई थी, और उसने बोली कि नहीं, नैना ने मुझे कॉल करके बोली थी कि उन लोग नहीं हैं, उन लोग चले गए हैं बाहर, तो आप आ जाओ। तो मैंने सारा सामान निकाल के रखी हूँ, इसलिए मैं चली गई थी। बाकी ये बात के फादिया दिलबर की बेटी नहीं है, और वो दूर रख रही है फादिया को दिलबर से, और फादिया खुद भी दूर रह रही है, ये बात तो हो गई है कंफर्म। बाकी दूसरी बात, जिस तरह से वो बता रही थी फातिमा कि ये घर पे आता ही नहीं है, आता है एक आध घंटे के लिए आता है, और मुझे नहीं पता चला कि इसने कब फादिया को वीडियो में ले लिया, और फादिया और दुआ का रोता हुआ चेहरा भी दिखाई इसने। सच बोलूँ तो बुरा लगा देख के। और फातिमा बता रही थी तो उसकी आवाज़ में मतलब वो दर्द था, जिस तरह से वो मतलब वो पहले 2 बार आया है, तो वो आके प्रॉपर घर में ही था, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था, बच्चों को घुमा रहा फिरा रहा था, बाहर से खिला पिला के भी लेकर आया था, लेकिन इस बार जानबूझ के उसने छमिया ने साथ में आई है छमिया, और इस बार तो वो आके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो छमिया के साथ ही बिजी है। यहाँ तक के नाश्ता भी वो छमिया को सुबह में लेके जाता है बाहर, बाहर लोग नाश्ता करते हैं, फिर वो पूरा दिन लेके उसको घूमता है, शाम तक के वो उसको लेके घूमता है, फिर शाम के बाद में वो बच्चों के पास में थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर से वो छमिया को लेके घूमने निकल जाता है। तो ये सारा कुछ जाहिर सी बात है, वो दूर था, ये सारा कुछ कर रहा था, तो इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होगी फातिमा को, लेकिन यहाँ पे आके यहाँ पे रह के उन सारी जगहों पे लेके जा रहा है जहाँ पे ये अपने बच्चों को और फातिमा को लेके जाता था। तो ये सारा कुछ देख के फातिमा को तकलीफ़ हो रही होगी, वो दिख रहा है उसकी आवाज़ से लग रहा था, और मुझे सच में बुरा लगा। लेकिन बस अब क्या बोलूँ, मेरे को इसके लिए फातिमा की सिंपत्ति नहीं है, क्योंकि मका फाते अमल भी तो हो रहा है ना। लेकिन हाँ, फातिमा के अब जो दिल से निकल रहा है ना, और उसकी जो बद्दुआ निकल रही है, उसके जो आंसू निकल रहे हैं ना, तो वो छमिया को भी ज़रूर लगेंगे, और छमिया देखना इससे भी ज़्यादा रोएंगी, इससे भी ज़्यादा वो भुगतेंगी। जिस तरह से फातिमा ने आयशा के साथ की थी वो भुगत रही है ना, इससे डबल छमिया भुगतेंगी। और ये बात आप लोग मेरी लिख के रखो कि पूरा वाइटी देखेगा छमिया की हालत, छमिया को इतनी बुरी तरह से अल्लाह पाक सजा दे, मैं तो बोलती हूँ। खैर, वो तो बुरा लगा, लेकिन अब दूसरी बात उसने ये कर दी कि इनको तकलीफ़ हो रही है कि मेरा वीडियो चल रहा है, मेरा चैनल चल रहा है, तो मैं तो कोई बात नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तो भी देखो मेरा वीडियो चल रहा है, आप सबकी दुआ है, मेरे बच्चों का नसीब है, यहाँ पे आके मतलब वो खुश हो जाती है। तो समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो चल रहा है इसके लिए अपने बच्चों पे और अपने पे जुल्म क्यों करवा रही है। मतलब वीडियो चलवाना था, चैनल चलवाना था, यहाँ पे इसको ये करना चाहिए, अपने हस्बैंड के खिलाफ ये एक्शन ले और उसके ऊपर केस करे, और उसको डिवोर्स दे के ना एक मिसाल कायम करे, ताकि इनके ख़ानदान में जो आगे आने वाली पीढ़ी है, या जो अभी भी है ना, जो और आस लगा के बैठे हैं कि हाँ हम एक को छोड़ दूसरी को पकड़, दूसरी को छोड़ तीसरी को पकड़, जो इनके ख़ानदान की परंपरा चलती आ रही है ना, तो आगे से वो परंपरा ख़त्म हो जाए। एक जब औरत अपने लिए स्टैंड लेंगी ना, तो दूसरी बार आदमी नहीं करेगा, क्योंकि एक करेंगी ना तो दूसरी भी करेंगी, दूसरी करेंगी तो तीसरी भी करेंगी, इस तरह से ना ये वाली परंपरा ख़त्म हो जाएंगी कि बीवी बच्चों के होते हुए शादी कर लेना और बीवी बच्चों को इस तरह से छोड़ देना, उनके ऊपर जुल्म करना। तो ये चाहे ना फातिमा तो ये कर सकती है, लेकिन ना भाई ना, ये तो अपने चैनल के लिए खुश हो रही है। अब देख लो, सलमा ने अपने लिए स्टैंड ली, ठीक है, उसने पूरी दुनिया के आगे सामने आके सच्चाई बताई, और किस तरह से उसका हस्बैंड उसके पास में वापिस चले गया, उसको सारी सच्चाई नज़र आ गई कि उसकी बीवी से ज़्यादा अच्छी बीवी है ना उसको मिल ही नहीं सकती थी।
तो अगर फातिमा चाहे ना तो इस दल्ले को भी सज़ा दिलवा सकती है और एक मिसाल कायम कर सकती है, लेकिन चैनल पे आके ही खुशियाँ डबल हो जाती है, क्या ही बोले। चले भाई अब आ जाते हैं नैना के ऊपर, के नैना ने ये वीडियो डालने से 2 दिन पहले ही लाइव में बात हुई थी मेरी, के नैना के घर में लोग रह रहे हैं और कुछ लोगों ने प्रूफ भी लगा दिए, जैसे कि सनिया की पाकिट वगैरह जो नैना के घर में नज़र आई। अब नैना जो बोल रही है ना कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं चाहती तो छुपा भी सकती थी, तो तू नहीं छुपा सकती थी। आके नैना ने बताई क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वो पकड़ी गई है, ठीक है, चीज़ें बाहर आ गई है। जो सनिया की पाकिट थी वो इसके घर में नज़र आई, सनिया नज़र आई, उसके कपड़े नज़र आए, तो ऑडियंस को तो वैसे ही पता चल गया कि वो छमिया और डीडी इसके घर पे रुके हुए। तो ये कौन से मुंह से झूठ बोलती कि नहीं उन लोग मेरे घर में नहीं रुके हुए। तो मजबूरी में नैना तुमने आके सच्चाई बताई है, वरना तुम नहीं बताती। अगर तुम इतनी अच्छी और इतनी सच्ची होती ना, तो तुमने जब पहला टाइटल लगाया था ना कि छमिया और डीडी कहाँ रह रहे, और उसमें तुमने कुछ भी नहीं बोला था, उसमें तुम बताती कि हाँ वो मेरे घर पे रुके हुए, तो तुमने उसके अंदर कुछ भी नहीं बोला। और जब चीज़ें लीक हुई, जब लोगों को पता चल गया कि वो लोग तुम्हारे घर में रुके, तब आके तुमने वीडियो बना के बताई और तुमने बोली मैं मेरी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपाती। तो अगर ऑडियंस को तुम्हें सारी चीज़ें शेयर करनी ही थी ना, तो जैसे ही लोग आए थे ना वैसे ही तुम शेयर कर देती, तुम्हारी चीज़ें और प्रूफ लीक होने के बाद में तुम ना शेयर करती, ठीक है। तो ये तो तुम बेवकूफ़ बनाओ मत के तुम अपनी मर्जी से बता रही हो, तुम तो बताने ही चाहती थी और तुम तो कुछ नहीं छुपाती हो, ये सब डायलॉग है ना अच्छे नहीं लग रहे। और दूसरी बात, तुमने ये बोला कि वो दरवाजे में आके खड़े हो गए थे लोग, तो मैं भगा नहीं सकती थी, तो कोई किसी को ऐसे भगाया नहीं जा सकता है। फिर उसने मिन्नत किया कि मुझे थोड़े दिन यहाँ पे रहने दो, मैं दिन भर नहीं रहूँगा, दिन भर लेके चला जाऊँगा। तो एक बात बताना कि क्या मतलब जो तुम्हारे दुश्मन है, जैसे कि वो तुम्हारी फ्रेंड थी, अलीना नाम था मेरे ख्याल से, ऐसे ही कुछ नाम था, उसने जो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाई थी, कल को वो तुम्हारे दरवाजे में आके खड़े हो जाती है, तो क्या तुम उसको अपने घर में बिठा लोगी? जिन लोगों ने तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर इतनी गंदी गंदी बात की है, पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाती है तो क्या तुम उसको अपने घर में बिठा लोगी? मतलब इतना अच्छी भी तो तुम नहीं हो, तो ये बात तो बोलो ही मत कि तुम्हारे दरवाजे में आ गए तो तुमने बुला लिया अंदर, फिर तुमने रख भी लिया, उनकी विनती उन लोगों ने की है कि हमें रख लो तो तुमने रख लिया। ये सब बातें ना हजम होने वाली बातें नहीं है, तो ये तो तुम बोलो ही मत। और कोई भी इंसान है ना ऐसे ही मुंह उठा के किसी के घर पे नहीं चला जाता, जब तक के बात ना हुई हो, जब तक के डिसाइड ना हुआ हो, एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक के इंसान ऐसे मुंह उठा के नहीं जाता। और ये बात तो ऐसा नहीं है कि चलो भाई इसके यहाँ से अभी पता चल रही है हमें पहली पहली बार है ना कि उसके घर पे रुके हैं, ये बात तो इन लोगों के जाने से पहले ही सायमा ने बोल दी थी। जो उसकी बहन है छमिया की, बड़ी छमिया है जो, उसने तो पहले ही बोल दी थी कि इसकी तो वीडियो कॉल पे बात भी होती है और ये बुला रही है अपनी भाभी को कि आओ मैं तुमको पार्लर का भी सिखाऊंगी, मेरे घर पे रुकना। तो तुम कैसे बोल सकती हो कि उन लोग डायरेक्ट दरवाजे में आके खड़े हो गए थे, पहले से तय था ना तभी उन लोग आए, वरना कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाता। तो ये बात भी नहीं ना तुमने झूठ बोली है कि उन लोग मुंह उठा के आ गए थे। अब ये बात देखो कि ये बोलती है मैं अपने माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, अपने माँ बाप के लिए ये चीखने आ जाती है, लड़ने आ जाती है, उल्टे जवाब देने आ जाती है, तो अभी तुमको शर्म नहीं आई ना? तुमने ऐसी औरत को घर में रखा जिसकी बहन ने तुम्हारे बाप को इतना गंदा की, उसके जीजा ने तुम्हारे बाप की वॉइसें चलाई और ये बताने की कोशिश की कि तेरा बाप ठरकी है, उसको गधी भी मिल जाए तो वो उस पर भी हमला कर देगा अपनी हवस बुझाने के लिए, ये सारी बातें किया था इसके जीजा ने। और ऐसा नहीं है कि इससे छुपी होगी बातें, चुपके से वो वीडियो बन गई
और फिर इतने वीडियो डिलीट भी करवा दिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, वीडियो तो अभी भी पड़ी हुई है। तो तुझे शर्म नहीं आई जिन लोगों ने तेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकाले उनको तूने घर में रख ली? बड़े ही बेशर्म है तुम लोग तो। और एक बात नहीं समझ आती यार मेरे, कि ये आदमी जो इसका भाई है डीडी दल्ला, वो इतना गंदा है, उसने इसकी माँ की पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाया, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाया, अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को उसने जो मकाम पे आज ला के खड़ा किया है, उसके बाद में नैना का उसको घर में रखना मेरे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। पता है यही चीज़ों के वजह से ना, बोलते हैं ना, गलत को बढ़ावा देने वाले काम है ये। जैसे आज इतने अपने घर में रख ली, कल बाबर रख लेगा, परसों फातिमा रख लेंगी, कहानी ख़त्म ना। फिर वो और एक शादी करेगा, फिर और एक करेगा, और बड़ा जुलुम जुर्म करेगा। क्रिमिनल जो बनाए ना, वो इसीलिए बनाए। तुम लोग सब जने अगर उसको बायकॉट करते और उसको बिल्कुल भी मुँह ना लगाते ना, तो शायद है ना आहिस्ते आहिस्ते करके तुम लोगों के ख़ानदान से ना ये परंपरा ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, तुम लोग खुद बढ़ावा देते हो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को तुम लोग बढ़ावा देते हो। इसके लिए क्रिमिनलिटी ना तुम लोगों के ख़ानदान में बढ़ती जा रही है। आज तुमने दिया है इसको सहारा, है ना, कल वो और एक शादी करेगा कि चलो कोई दे या ना दे, नहीं ना तो हमें सहारा दे देंगी। और तुम्हारे बोलने का ऐसा मतलब ये था कि वो आके दरवाजे में खड़े हो गया तो मैं कैसे भगा सकती थी? क्यों, मतलब क्या अगर तुम भगा देती तो क्या वो लोग रोड पे रहते? नहीं ना, होटले है ना, अभी पिटारा आई थी तो गेस्ट हाउस में रुकी थी ना। क्या कराची में होटल नहीं है जहाँ पे इन लोग रुक सकते थे? ऐसे तो उन लोग शादी हुई है जब से भटक ही रहे हैं, और भटकते हैं तो उन लोग होटलों में जाके स्टे करते हैं ना। तो कराची में आने के बाद में वो अपनी बीवी को होटल में क्यों नहीं रुकाया? होटल में रुकाता ना। मतलब के तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे ऑडियंस बेवकूफ़ बैठी हुई है ना। और तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी फातिमा ने? यही है, यही जो बोलती हूँ ना मैं, जुर्म को इन लोग सपोर्ट करते। देख लो, पिटारा ने एक आदमी के साथ लफड़ा की, दो के साथ की, तीन के साथ की, कितनों की बीवियों के घर खराब की। ये लोग क्या करते थे, उसको छोड़ छोड़ के आते थे होटलों में। एंड में क्या हुआ, उसने अपनी ही बहन का घर खराब कर दी, और ख़राब करने में इन लोगों का भी तो हाथ था ना, भले अनजाने में ही सही। छोड़ के तो आए ना इन लोग, छोड़ के आने की वजह से सलमा का घर खराब हुआ। फिर बाद में क्या किए इन लोगों ने, सारी बातों को ढाक दिए, और एंड में माफियाँ तलाफियाँ ये वो, बिना रीज़न के वीडियो बनाना कि हमारे से गलती हो गई, हमने गलत सपोर्ट किया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सारा कुछ। मतलब जो गुनाहगार है ना उसको सपोर्ट करते हैं लोग, और जो बेगुनाह है ना उसके ऊपर और ज़्यादा जुल्म करते। अब देख लो, ये बता रही थी कि मैं फातिमा के फेवर में हूँ, मैं फातिमा के साथ हूँ। ये कैसा साथ है भाई? हाँ, ये कौन सा साथ है कि तुम जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है, वो औरत ने, वो आदमी ने, तुम उसको अपने घर में रख के बैठी हो? और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा भाई है। तुम ही रो रही थी ना कि मैंने बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए गई थी तो इसने मुंडी उठा के देखा तक के नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है, ये आया भी नहीं था, और तुम आज उसको अपने घर में रख के बैठी हो। सच्ची में बड़ा दुख हुआ मुझे ये देख के। बाकी नैना ने ना छमिया की बड़ी बहन को तो सच्चा साबित कर दी वो दिन के लिए। वो दिन इसने जो बातें बोली थी वो बातें तो सच्ची हो गई ना, कि देख लो वो लोग इसी के घर में आके रुके। मतलब कि वो दिन सच बोल रही थी। नैना, तुमने बोला था कि लोग जो बातें कर रहे हैं ना वो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग थी कि उन लोग आएंगे मेरे इधर रुकेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए तुमने वो दिन आके बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं हुई है, मेरी उससे बात ही नहीं होती है। तुम क्यों वीडियो में बोल रही थी कि व्हाट्सएप पे मैं उसके साथ में अटैच नहीं हूँ, मेरे पास में उसका नंबर नहीं है, ये सब सफाइयाँ क्यों दे रही थी? वही मैं बोलती हूँ ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इसकी बहन ने बताई थी ना कि ये वीडियो कॉल पे उससे बात करती है। नैना, एक बात सोचो कि इसकी जगह पे, दल्ले की जगह पे शाहरुख होता, फातिमा की जगह पे तुम, तो तुम क्या करती, क्या सोचती कि तुम्हारी ननन
उस तुम्हारी सौतन का सपोर्ट करे, क्या बीतती तुम्हारे ऊपर, थोड़ा है ना अपने ऊपर रख के सोचने का। और या तो फिर तुम लोग आके बताओ कि फातिमा ने खुद ने ही इजाज़त दी है, ये सब तुम लोगों का कंटेंट है, ये सब तुम लोगों का ड्रामा है। अगर ऐसा कुछ है तो वो आके बता दो, ताकि यहाँ पे जो इमोशनल हो रहे हैं ना लोग, उनको तुम्हारी असलियत पता चले और वो इमोशनल होना ना छोड़ दे। पता है ऐसे सब देख देख के ना, जैसे लोग अभी बहुत ज़्यादा अटैच हो गए फातिमा से, है ना। जब उनके सामने अगर सच्चाई आती है ना कि फातिमा इन लोग सबका ये कंटेंट है, पिटारा वाला कंटेंट इन लोगों ने लेकर आए, जब उनको सच्चाई पता चलेगी ना, फिर उनका दिल है ना पत्थर का होने लगेगा। फिर जो जेन्युइन परसेंट होगा ना, कभी लाइफ में उनके जेन्युइन परसेंट भी आएगा ना, जिसके ऊपर सच में जुलूम हुआ होगा, उसके ऊपर भी वो भरोसा नहीं करेंगे। बस यही वजह से ना मेरे को इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, इन घटिया लोगों की वजह से ना, जिसको सच में इमोशन मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की किसी को ज़रूरत है ना, इन लोगों की वजह से जेन्युइन परसेंट को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इस तरह से ऑडियंस को सबक सिखाई है ना कि भाई जो सच में भी दुखी रहेगा ना, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और वो बंदा आखिर में अकेला होने की वजह से ना दुनिया छोड़ देगा, और फिर बाद में लोग पछताएंगे, और फिर लोग इन्हीं को बदुआ देंगे कि तुम लोगों ने हमारा भरोसा ख़त्म किए थे, हमने जो जेन्युइन था उसके ऊपर भी भरोसा नहीं किए, और वो बंदा दुनिया छोड़ के चला गया, ये होगा एंड में। बाकी नैना के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि तुम जो ढोल की तरह बजते रहती हो ना, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से, कभी तुम्हारी भाभी बजाती है, कभी भाई, तो कभी पिटारा, तो कभी तुम्हारी नानी, तो कभी कोई, तो कभी कोई, तो वो तुम डिज़र्व करती हो, तुम खुद है ना ये सारी चीज़ें करती हो ताकि तुमको ट्रोल किया जाए। तो आगे से तो कोई भी तुम्हें सपोर्ट करने से पहले ना 500 बार सोचेगा कि ये बंदी तो खुद चाहती है कि इसकी ट्रोलिंग हो। आज के टाइम पे YT पे सबसे ज़्यादा किसी को कोई हेट करता है ना, तो वो DD दल्ला और ये छमिया है। पूरी YT को है ना इन लोग बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, ठीक है, फिर भी ये बंदी ने अपने घर पे रखी। अब इसके ऊपर कोई बात करेगा तो ये रो के आ जाएंगी, बोलेंगी मेरे पे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे है ना। तुम खुद मौका ही क्यों देती हो भाई, वो भी ऐसे घटिया भाई के लिए तुम अपने आप को लोगों के मुंह में दे रही हो। समझ ही नहीं आता है मेरे कि तुम क्या कर रही हो, क्या चाहती हो तुम। यार सच्ची में ये औरत तो ना मेरे समझ के बाहर है। चले भाई, इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।